क्वेश्चन नंबर वन अ डाई इज रोल्ड लेट ई बी द इवेंट डाई शोज फोर एंड एफ बी द इवेंट डाई शोज इवन नंबर आर ई एंड एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एक डाई को रोल किया जाता है उसके अंदर ई e इवेंट जो है कि डाई के ऊपर फोर आना चाहिए और एक अनदर इवेंट है एफ उसके ऊपर जो डाई है उसके ऊपर इवन नंबर आना चाहिए क्या ई e और एफ़ दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं या नहीं हैं ये हमें फाइंड करना है तो सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर डाई को रोल किया है डाई के ऊपर फेस होते हैं फेसेस ऑन अ डाई वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स अब यहाँ पर दो इवेंट की बात कर रहे हैं एक इवेंट ई e है एक इवेंट एफ है उन दोनों के पहले सैम्पल स्पेस बना लेते हैं तो सैम्पल स्पेस ऑफ इवेंट ई इवेंट ई के सैम्पल स्पेस होंगे कि डाई के ऊपर ओनली फोर आना चाहिए तो हम ओनली फोर ले लेंगे आगे है सैम्पल स्पेस ऑफ इवेंट एफ वो होंगे इवन नंबर जो हैं टू फोर सिक्स दोनों इवेंट के सैम्पल स्पेस हो गए अब हमें चेक करना है कि दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं या नहीं तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है अगर हमारे पास दो इवेंट हैं ए और बी अगर दोनों का इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू फाई हो मतलब नॉट इक्वल टू नल हो तो वो हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होते हैं अगर दो इवेंट का इंटरसेक्शन नल के इक्वल हो फाई के इक्वल आ जाए तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं तो यहाँ पर एक तो इवेंट ई e है एक एफ इवेंट है तो ई इंटरसेक्शन एफ़ देखते हैं इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन तो दोनों में कॉमन एलिमेंट है फोर तो यहाँ पर फोर लिखेंगे ई इंटरसेक्शन एफ़ नॉट इक्वल टू फाइव मतलब ई इंटरसेक्शन एफ़ नल सेट नहीं है सो so, यहाँ पर हम लिखेंगे आगे E एंड F आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अगर यहाँ पे कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता तो E और F म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाते क्वेश्चन नंबर टू अ डाई is थ्रोन डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट्स एक डाई को फेंका गया और उसके बेसिस पे ये बहुत सारे इवेंट यहाँ पे फॉर्म करने हैं मीन्स ये जितने भी इवेंट दे रखे हैं इसके सैम्पल स्पेस फाइंड करने हैं देन उसके बेसिस पर हमें इन सब के आंसर देने हैं तो सबसे पहले हमने डाई को थ्रो किया तो डाई के फेसेस होते हैं फेसेस ऑन अ डाई वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स अब इसमें सबसे पहला इवेंट ए है तो यहाँ पे लिखेंगे सैम्पल स्पेस ऑफ इवेंट ए ए इवेंट के अंदर क्या क्या सैम्पल स्पेस होंगे क्वेश्चन में कहा है अ नंबर लेस देन सेवन एक नंबर होना चाहिए जो सेवन से लेस हो अब डाई के ऊपर सभी नंबर सेवन से लेस होते हैं तो इसके अंदर सैम्पल स्पेस होंगे ये सभी नंबर क्योंकि सभी नंबर लेस देन सेवन हैं ये हो गए इवेंट ए के सैंपल स्पेस नेक्स्ट नेक्स्ट बी में देखते हैं तो सैम्पल स्पेस ऑफ इवेंट बी इसमें दिया है अ नंबर ग्रेटर देन सेवन अब ये जो फेसेस हैं ओके इनमें से कोई भी नंबर सेवन से बड़ा नहीं है तो ये हो जाएगा नल सेट या तो ऐसे ब्लैंक ब्रैकेट लगा सकते हैं या फिर इस तरीके से फाई लिख देंगे फाइ को इस ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखना है वो नल सेट नहीं होगा नाउ सैंपल स्पेस ऑफ इवेंट सी इसमें दिया है अ मल्टीपल ऑफ थ्री तो इसमें मल्टीपल ऑफ थ्री है थ्री और सिक्स ये ही दो मल्टीपल हैं इसके अंदर तो इसके सैम्पल स्पेस होंगे थ्री और थ्री और सिक्स ओके नाउ सैम्पल स्पेस ऑफ इवेंट डी इसमें दिया है अ नंबर लेस देन फोर लेस देन फोर मतलब फोर को नहीं लेना है लेस देन इक्वल टू लिखा होता तो फोर लेते अब लेस देन फोर बोला है तो लेस देन फोर है वन टू थ्री तो सैम्पल स्पेस हो जाएंगे वन टू थ्री नाउ सैम्पल स्पेस ऑफ इवेंट ई इसमें दिया है एन इवन नंबर ग्रेटर देन फोर एक इवन नंबर होना चाहिए और चार से बड़ा होना चाहिए ये दो कंडीशन साथ में हैं तो इसके सैम्पल स्पेस होंगे सैम्पल स्पेस ऑफ इवेंट ई चार से ग्रेटर इवन नंबर है सिक्स ओके okay? तो ये हो गया इसका सैम्पल स्पेस तो ओनली सिक्स एलिमेंट आएगा लास्ट में है सैम्पल स्पेस ऑफ इवेंट एफ़ इसमें दिया है अ नंबर नॉट लेस देन थ्री एक नंबर तीन से लेस नहीं होना चाहिए तीन से बड़ा हो सकता है तीन भी हो सकता है बट क्वेश्चन में लेस देन थ्री बोला है तो सैम्पल स्पेस हो जाएंगे थ्री फोर फाइव सिक्स तीन से कम नहीं होना चाहिए तीन हो सकता है क्योंकि यहाँ पर कहा है अ नंबर नॉट लेस देन थ्री इक्वल टू थ्री कहते तब हम थ्री को नहीं लेते अब लेस देन थ्री बोला है तो थ्री फोर फाइव सिक्स ये सारे नंबर लेस देन थ्री नहीं है ये हो गए सभी सैम्पल स्पेस अब इनके बेसिस पर हमें आंसर फाइंड करने हैं ये जो हमें गिवन है क्वेश्चन इनके ओके तो सबसे पहले फाइंड करना है ए यूनियन बी ओके ये ए था और ये बी था यूनियन मतलब इसके एलिमेंट भी और इसके एलिमेंट भी कंबाइन करके लिख देंगे और जो एलिमेंट दो बार आ रहा होगा उसे एक बार ले लेंगे तो यूनियन बी होगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये हो गया आ, ये हो गया ए यूनियन बी इवेंट बी में कोई भी एलिमेंट नहीं था है ना इवेंट बी में कोई भी एलिमेंट नहीं था तो इन दोनों का यूनियन हो गया जो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ओके सेकंड है ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए और बी इवेंट के अंदर कॉमन क्या है दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है देखो इसमें और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो ए के अंदर सिक्स एलिमेंट हैं और बी के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है तो ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा नल सेट नेक्स्ट है बी यूनियन सी बी और सी का यूनियन करना है ये बी है और ये सी है ओके तो फाइव और थ्री सिक्स का यूनियन होगा थ्री सिक्स क्या होगा यूनियन थ्री सिक्स ओके ये फाइ नहीं लिखना है क्योंकि फाइ का मतलब होता है ये वाला जो फाई है बी का एलिमेंट सॉरी बी का एलिमेंट है ये नहीं लिखना है क्योंकि आ, आ, क्योंकि फाइ का मतलब है ज़ीरो सेट क्योंकि इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है नेक्स्ट है ई इंटरसेक्शन एफ़ ओके ई और एफ़ का इंटरसेक्शन तो ई e और एफ़ E और एफ कहाँ हैं ये ई e और ये एफ ई e और ई e, एफ uh, के अंदर कॉमन है सिक्स एलिमेंट ये वाला ओके okay? तो ई इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एफ होगा सिक्स नेक्स्ट है डी इंटरसेक्शन ओके डी और ई e का इंटरसेक्शन तो डी और ई डी कहाँ है हमारा ये D और ये E, ओके D और E के अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है इसके अंदर वन टू थ्री है इसके अंदर सिक्स है कोई भी कॉमन नहीं है तो इसका आंसर होगा फाइव क्या होगा इसका आंसर फाइ ओके नेक्स्ट है ए माइनस सी ए माइनस सी का मतलब होता है ए के एलिमेंट में से सी के एलिमेंट को सी के एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करना है तो ए के एलिमेंट हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और सी के एलिमेंट हैं सी के एलिमेंट हैं थ्री और सिक्स तो थ्री और सिक्स को छोड़ के बाकी जो एलिमेंट बचे हैं वो लिख देंगे कहाँ पर ए माइनस सी में तो ये हो गया एक दो चार पाँच ओके नेक्स्ट है नेक्स्ट है डी माइनस ई डी के एलिमेंट डी के एलिमेंट हैं वन टू थ्री ई के एलिमेंट हैं सिक्स ओके तो डी के अंदर वन टू थ्री है और ई e में है सिक्स तो डी के सभी एलिमेंट लिख देंगे सिक्स यहाँ पर सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर तो सिक्स है ही नहीं तो ये हो गया आपका आ, यहाँ पर होगा d माइनस ई e हो गया वन टू थ्री ओके सिक्स यहाँ पर सब्ट नहीं हो सकता तो ये हो गया d माइनस ई नेक्स्ट है नेक्स्ट है आपका e इंटरसेक्शन f डैश तो पहले f डैश फाइंड करना होगा f डैश का मतलब है जो भी इसके अंदर यानी कि f के अंदर एलिमेंट हैं इनसे अलग जो एलिमेंट बच गए पूरे सैंपल स्पेस में इनसे अलग जो एलिमेंट बच गए पूरे सैम्पल स्पेस में से एक दो तीन चार पाँच छः ओके ये सैम्पल स्पेस थे ये पूरा सैम्पल स्पेस था एक दो तीन चार पाँच छः और एफ के अंदर है एफ के अंदर है तीन चार पाँच छ तो बचे कितने बचे क्या क्या हमारे पास एक और दो तो F डैश आ जाएगा F डैश आ गया एक और दो अब हमें फाइंड करना है E इंटरसेक्शन एफ़ डैश तो ये हो गया ये हो जाएगा E और F डैश के एलिमेंट में कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये हो जाएगा नल सेट ओके लास्ट है F डैश ये हमने फाइंड कर लिया है वन और टू हो जाएंगे इसके एलिमेंट क्वेश्चन नंबर थ्री एन एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व्स रोलिंग अ पेयर ऑफ डाइस एंड रिकॉर्डिंग द नंबर्स दैट कम अप डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट्स क्वेश्चन में कहा है कि हमें पेयर ऑफ डाइस को रोल आउट करना है पहले एक डाई को फेंकना है फिर दूसरी डाई को फेंकना है जो भी पॉसिबल पेयर ऑफ नंबर आएंगे उनको हमें लिखना है और उस बेसिस पर सभी इवेंट के आंसर देने हैं तो सबसे पहले सैंपल स्पेस फाइंड करने होंगे जब टू डाइस को रोल करते हैं उनके तो यहाँ पे लिखेंगे सैंपल स्पेस ऑन पेयर ऑफ डाइस तो मान लो पहली डाइस पे वन आ गया दूसरे पे भी वन आ सकता है पहली पे वन दूसरी पे टू आ सकता है फिर वन थ्री भी आ सकता है वन फोर भी आ सकता है वन फाइव भी आ सकता है फिर हो सकता है वन सिक्स ओके उसके बाद टू वन टू 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 थ्री टू फोर टू फाइव टू सिक्स इस तरीके से चलता चला जाएगा और लास्ट में सिक्स वन सिक्स टू सिक्स थ्री सिक्स फोर सिक्स फाइव और सिक्स सिक्स ये पॉसिबल सैम्पल स्पेस हो सकते हैं तो टोटल थर्टी सिक्स सैम्पल स्पेस होंगे अब इनके बेसिस पर हमें इवेंट्स के आंसर देने हैं तो इवेंट ए है सम इज़ ग्रेटर देन एट दोनों डाइस पे जो नंबर आए हैं उनका सम ग्रेटर देन एट होना चाहिए तो इवेंट ए के सैंपल स्पेस होंगे सम होना चाहिए ग्रेटर देन एट तो देखो वन प्लस वन इज़ टू ये एट से ग्रेटर नहीं है यहाँ पे वन प्लस सिक्स इज़ सेवन तो इस पूरी लाइन में से कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसका सम ग्रेटर देन एट हो यहाँ पे टू टू फिर यहाँ पे टू टू होगा फिर टू थ्री टू फोर टू फाइव होगा टू सिक्स टू प्लस सिक्स इज़ एट ये भी ग्रेटर देन एट नहीं है अब है थ्री प्लस वन यहाँ पे थ्री प्लस वन इज़ फोर ये भी नहीं है फिर थ्री प्लस टू थ्री प्लस थ्री थ्री प्लस फोर थ्री प्लस फाइव फिर आएगा थ्री प्लस सिक्स इज़ नाइन ये ग्रेटर देन एट हो गया तो यहाँ पे आ जाएगा थ्री और सिक्स ये पेयर आ गया अब फोर वाली लाइन पे चलो तो फोर प्लस फाइव इज़ नाइन ये ग्रेटर देन एट है फोर और सिक्स हो गया फिर फाइव वाली लाइन पे चलो फाइव फोर होगा फाइव फाइव होगा और फाइव सिक्स होगा फिर सिक्स वाली लाइन पे चलो सिक्स थ्री सिक्स थ्री सिक्स फोर सिक्स फाइव एंड सिक्स सिक्स ये इवेंट होंगे जिनका सम ग्रेटर देन एट होगा ये होंगे सैम्पल स्पेस ऑफ इवेंट ए अब नेक्स्ट है इवेंट बी तो सैम्पल स्पेस ऑफ इवेंट बी क्या है टू अकर्स ऑन आइदर डाई किसी भी एक डाई के ऊपर दो होना चाहिए तो ये हो सकते हैं वन टू फिर टू वन लिख देते हैं यहाँ पर वन टू टू वन हो सकता है फिर टू टू हो सकता है दोनों पर टू भी आ जाए फिर टू थ्री टू फोर टू फाइव टू सिक्स थ्री टू फोर टू फाइव टू सिक्स टू ये ऐसे पॉसिबल सैम्पल स्पेस आ गए जिनमें आइदर डाई के ऊपर टू हो सकता है नाव इवेंट थ्री इवेंट थ्री में कहा है द सम इज़ एट लीस्ट सेवन एंड अ मल्टीपल ऑफ थ्री इवेंट सी जो है ये हमें कहा है कि द सम इज़ एट लीस्ट सेवन एंड अ मल्टीपल ऑफ थ्री दो कंडीशन दे रखी है सम कम से कम सात होना चाहिए और मल्टीपल ऑफ थ्री भी होना चाहिए तो सेवन से बड़े थ्री के मल्टीपल हैं नाइन और ट्वेल्व तो जिनका सम नाइन और ट्वेल्व होगा वो सैम्पल स्पेस के अंदर एलिमेंट आ जाएंगे ओके यहाँ पर एलिमेंट आ जाएंगे तो यहाँ पर होंगे थ्री और सिक्स फोर और फाइव है ना इनका सम नौ है और ये थ्री का मल्टीपल बनेगा इनका सम है नौ ये भी थ्री का मल्टीपल बनेगा फिर फाइव फोर सिक्स थ्री और सिक्स सिक्स इन सभी का सम थ्री का मल्टीपल है ये हो गए सैम्पल स्पेस ऑफ इवेंट सी अब इसके बेसिस पर आंसर देना है विच पेयर ऑफ दीज इवेंट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इन तीनों इवेंट में कौन कौन से इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं अगर मान लो दो इवेंट हैं एक इवेंट एक्स है और एक इवेंट वाई है अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन फाई आ जाए नल आ जाए दो इवेंट का इंटरसेक्शन अगर नल आ जाए मतलब दोनों इवेंट के अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो उसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहते हैं तो पहले ए और बी को चेक करते हैं ए और बी ओके ए इंटरसेक्शन बी और ए और बी में क्या कोई एलिमेंट कॉमन है इन दोनों के अंदर कॉमन एलिमेंट नहीं है ठीक है इनमें से कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो ए इंटरसेक्शन बी हो गया फाइव फिर हमें देखना है बी इंटरसेक्शन सी तो बी और सी में भी ये बी है और ये सी के एलिमेंट है बी और सी में भी कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो बी इंटरसेक्शन C सी इज इक्वल टू हो गया फाइव ओके अब चेक करते हैं ए इंटरसेक्शन सी ए और सी के अंदर कौन सा सिक्स सिक्स ए और सी के अंदर ये वाला एलिमेंट कॉमन है ओके तो ए इंटरसेक्शन सी नॉट इक्वल टू फाइव है मतलब ये नल सेट के इक्वल नहीं है तो ए एंड बी बी एंड सी ये दोनों पेयर आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्वेश्चन नंबर फोर थ्री कॉइंस आर टोस्ड वंस लेट ए डिनोट द इवेंट थ्री हेड्स शो बी डिनोट द इवेंट टू हेड शो एंड वन टेल शो सी डे नाट द इवेंट थ्री टेल्स शो एंड डी डेनोट ईवेंट एड शोज ऑन द फर्स्ट कॉइन विच ईवेंट्स आर थ्री कॉइन को टॉस किया गया है तो थ्री कॉइन को जब टोस करते हैं तो टोटल सैम्पल स्पेस होते हैं टू की पावर थ्री इज एट तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले टोटल सैम्पल स्पेस ऑफ थ्री क्वाइन टोस्ट थ्री क्वेंटोस करने पर सैम्पल स्पेस होंगे पहले तीनों पर हेड हो सकता है फिर हेड हेड टेल भी हो सकता है फिर हेड टेल हेड भी हो सकता है फिर टेल हेड हेड भी हो सकता है उसके बाद तीनों टेल भी हो सकते हैं फिर टेल टेल हेड भी हो सकता है टेल हेड टेल भी हो सकता है और हेड टेल टेल भी हो सकता है ये हो गए एट एलिमेंट अब इसके बेसिस पर सबसे पहले इवेंट ए है तो यहाँ पर लिखेंगे सैम्पल स्पेस ऑफ इवेंट ए इसमें कहा है थ्री हेड्स शो तो ओनली वन सिंगल एलिमेंट ऐसा है जिसके अंदर तीनों हेड आएंगे तो सैम्पल स्पेस ऑफ इवेंट ए हो गए थ्री हेड नेक्स्ट है इवेंट बी सैम्पल स्पेस ऑफ इवेंट बी इसमें दिया है बी डेनोट द इवेंट टू हेड्स एंड वन टेल शो दो हेड और एक टेल होना चाहिए तो ये हैं हेड हेड टेल फिर है हेड टेल हेड फिर टेल हेड हेड ये हो गए दो हेड वाले एलिमेंट नेक्स्ट है इवेंट सी सैम्पल स्पेस ऑफ इवेंट सी इसमें कहा है सी डे द इवेंट थ्री टेल्स शो तो एक ही सैंपल स्पेस होगा थ्री टेल कहाँ पर एक ही सैम्पल स्पेस होगा थ्री टेल ओके उसके बाद लास्ट लास्ट है सैम्पल स्पेस ऑफ इवेंट डी इसमें कहा है ए एड शो ऑन द फर्स्ट कॉइन के फर्स्ट uh, कॉइन के ऊपर हेड होना चाहिए तो सैम्पल स्पेस होंगे हेड 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 टेल टेल हेड टेल हेड 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 टेल ओके ये पॉसिबल सैम्पल स्पेस होंगे अब इसके बेसिस पर हमें बताना है म्यूचुअली इवेंट सॉरी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कौन सा है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है जिन दो इवेंट के बीच में कोई भी इंटरसेक्शन वैल्यू ना हो कोई भी इंटरसेक्शन एलिमेंट ना हो वो होते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अब देखो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है क्या दिख रहा है ए और बी इनके बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो यहाँ पर लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू फाई है फाइ तो ये हो जाएगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ओके उसके बाद देखेंगे बी और सी बी और सी इसके अंदर भी कोई भी कॉमन नहीं है तो बी इंटरसेक्शन सी बी इंटर सेक्शन सी इज़ इक्वल टू फाइव है ये भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया फिर सी इंटरसेक्शन डी देखते हैं सी और डी ओके इनके अंदर भी कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो सी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी इज़ इक्वल टू फाइव है ये भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया अब हम चेक करेंगे ए और सी ये ए और ये सी ए इंटरसेक्शन सी भी नल के इक्वल है इनके बीच भी कोई भी कॉमन नहीं है तो ये हो गया इज इक्वल टू फाइव म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ओके अब ए और डी देखेंगे ये ए और ये डी ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है क्योंकि दोनों के अंदर कौन सा कॉमन है ट्रिपल एच ट्रिपल एच ओके तो दोनों के अंदर ट्रिप, तीन बारी एच प्रेजेंट है तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएंगे ओके हम्म तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएंगे अब सेकंड देखते हैं इसमें पूछा है सिंपल सिंपल इवेंट कौन से होते हैं तो सिंपल इवेंट वो इवेंट होते हैं जिनके अंदर ओनली सिंगल एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं तो ए और सी के अंदर सिंगल एलिमेंट प्रेजेंट है तो यहाँ पर लिखेंगे ए एंड सी आर सिंपल इवेंट अब करेंगे पार्ट थ्री इसमें पूछा है कंपाउंड इवेंट तो कंपाउंड इवेंट होते हैं जिस इवेंट के अंदर एक से ज़्यादा एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम कंपाउंड इवेंट कहते हैं तो बी और डी कंपाउंड इवेंट है तो यहाँ पर लिख देंगे बी बी एंड डी आर कंपाउंड इवेंट क्वेश्चन नंबर फाइव थ्री कॉइन्स आर टोस्ट डिस्क्राइब तीन कॉइन को इकट्ठा टोस्ट किया गया है उसके बेसिस पर हमें डिस्क्राइब करना है ये फाइव पॉइंट्स तो सबसे पहले लिखेंगे सैम्पल स्पेस ऑन थ्री कॉइन टोस्ट अगर हम एक साथ तीन कॉइन को टोस्ट करेंगे तो सैम्पल स्पेस होंगे टू की पावर थ्री मीन्स एट ओके सैम्पल स्पेस होंगे उन्हें लिख लेते हैं तीनों कॉइन्स के ऊपर हेड आ सकता है फिर टू हेड एक टेल आ सकता है फिर हेड टेल हेड आ सकता है फिर टेल हेड हेड आ सकता है फिर तीनों टेल आ सकते हैं दो बार टेल एक बार हेड आ सकता है फिर टेल हेड टेल भी आ सकता है और हेड टेल टेल भी आ सकता है ये हो गए पॉसिबल सैम्पल स्पेस अब इनके बेसिस पर गिवन क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है फर्स्ट पार्ट के अंदर है टू इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दो ऐसे इवेंट आपको बताने हैं जो एक दूसरे के म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो म्यूचुअली इवेंट वो इवेंट हैं जब दो इवेंट के अंदर कोई भी इंटरसेक्शन एलिमेंट ना हो मतलब दोनों इवेंट के अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो उन्हें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलते हैं तो यहाँ पर ए इवेंट मान लेते हैं गेटिंग नो हेड कोई भी हेड हमें ना मिले इसका मतलब तीनों टेल मिलेंगे इस दूसरा इवेंट होगा इवेंट बी गेटिंग नो टेल इसका मतलब सारे के सारे हेड मिल जाएं अब देखो दोनों केस में इन दोनों इवेंट में ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है तो यहाँ पे हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू है फाइव के तो ये हो गए ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इस तरीके से एग्जाम्पल बनाने हैं नाउ पार्ट टू थ्री इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव ओके थ्री इवेंट बनाने हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो और साथ में एग्जॉस्टिव भी हो एग्जॉस्टिव का मतलब होता है तीनों इवेंट को अगर यूनियन करें तो वो सैंपल स्पेस के इक्वल आना चाहिए उन्हें हम एग्जॉस्टिव इवेंट बोलते हैं तो ए इवेंट मान लिया ए इवेंट के अंदर मान लिया गेटिंग नो हेड कोई भी हेड ना मिले तो इसके अंदर इवेंट होगा टेल 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 दूसरा कोई इवेंट मान लेते हैं गेटिंग वन हेड ओनली एक हेड हमें मिले तो एलिमेंट हो जाएंगे हेड टेल 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 हेड टेल और टेल टेल हेड ओके ये तीन हमारे ऐसे इवेंट हैं जिनके अंदर सिंगल हेड होगा और हो सकता है गेटिंग टू हेड मतलब इवेंट सी दो हेड मिले तो ये हो सकते हैं हेड हेड टेल हेड टेल हेड और टेल हेड हेड अब देखो तीनों इवेंट ए बी सी तीनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है तो यहाँ पर लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू फाइव ओके तीनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो ये कहलाएंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अब हमें इसको एग्जॉस्टिव भी प्रूव करना है एग्जॉस्टिव का मतलब तीनों का यूनियन होना चाहिए सैम्पल स्पेस के इक्वल तो अगर हम तीनों का यूनियन लेते हैं तो एक एलिमेंट मिस रहता है थ्री हेड्स वाला ओके तो इस केस में हम ले सकते हैं गेटिंग एट लीस्ट टू हेड तो यहाँ पर थ्री हेड वाला एलिमेंट भी ले लेंगे एटलीस्ट टू हेड का मतलब कम से कम दो हेड तो होने ही चाहिए ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं अब इन्हें हम इन्हें हमें करें ए यूनियन बी यूनियन सी तो ये इक्वल होगा सैम्पल स्पेस के ओके तो ये तीनों इवेंट हमारे एग्जॉस्टिव भी होंगे नाउ पॉइंट पार्ट थ्री टू इवेंट्स विच आर नाट म्यूचुअली एक्सक्लूजिव ओके दो इवेंट जो आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूजिव ना हों ईट थ्री है हमारा एक्सक्लूसिव ना हो तो यहाँ पे हो सकता है एवेंट गैटिंग थ्री हैड तो इसके एलिमेंट हो जाएंगे थ्री हैड दूसरा इवेंट बी बनाएंगे गैटिंग एटलीस्ट टू हेड कम से कम दो हेड तो होने ही चाहिए तो इसके अंदर एलिमेंट हो जाएंगे तीनों हेड हो सकते हैं दो हेड एक टेल भी हो सकता है टेल हेड हेड भी हो सकता है और हेड टेल हेड भी हो सकता है अब यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू फाइव है क्योंकि इनके अंदर एक एलिमेंट कॉमन है कौन सा ये वाला ओके एक एलिमेंट कॉमन है तो ये हो गए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एक्सक्लूजिव नहीं है नाउ पॉइंट फोर टू इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूजिव बट नॉट एग्जॉस्टिव इवेंट फोर दो इवेंट जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, बट नॉट एक्सॉस्टिव हो, मतलब उनका यूनियन सैम्पल स्पेस के इक्वल ना हो तो मान लो इवेंट गेटिंग थ्री हेड्स, थ्री हेड का इवेंट हो गया एच 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 और बी इवेंट मान लेंगे गेटिंग थ्री टेल इसमें तीनों टेल आ जाएंगे अब ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाइव है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया और ए यूनियन बी अगर दोनों का यूनियन करें तो वो नॉट इक्वल टू सैम्पल स्पेस है तो ये नॉट एग्जॉस्टिव हो गया नाउ पार्ट फाइव थ्री इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट नॉट एग्जॉस्टिव तीन इवेंट जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हों और साथ में नॉट एग्जॉस्टिव हों तो एग्जॉस्टिव नहीं होने चाहिए और तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हों तो सॉल्व करते हैं इवेंट ए ले लेंगे गेटिंग थ्री हेड का तो हेड 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 ओके बी इवेंट ले लेंगे गेटिंग थ्री टेल्स यानी कि टेल 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 सी इवेंट ले लेंगे गेटिंग टू हेड या टू टेल तो हम यहाँ पर टू टेल ले, ले लेते हैं तो ये इवेंट बनेगा टेल टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल टेल अब ये थ्री इवेंट हैं ए बी सी तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी तीनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये नल है तो ये तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए बट यहाँ पे ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर नहीं है नॉट इक्वल टू सैम्पल स्पेस है तो ये नॉट एग्जॉस्टिव भी हो गया एग्जॉस्टिव का मतलब होता है वो इवेंट जिनको कंबाइन करके यूनियन करके सैम्पल स्पेस के इक्वल आ जाए वो होता है एक्सॉस्टिव और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है जब कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो तो उन इवेंट को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स टू डाइज आर थ्रोन द इवेंट्स ए बी एंड सी आर एस फॉलोस। दो डाइस को इकट्ठा थ्रो किया है जब दो डाइस को इकट्ठा थ्रो करते हैं तो उनके सैम्पल स्पेस होते हैं थर्टी सिक्स क्योंकि पहली डाइज के सैम्पल स्पेस सिक्स होंगे दूसरी के भी सिक्स तो टोटल हो गए सिक्स इंटू सिक्स इज़ थर्टी सिक्स मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल थर्टी सिक्स सैम्पल स्पेस हो गए उसके बेसिस पर इन तीनों इवेंट को देखना है और इन क्वेश्चन के हमें आंसर देने हैं तो स्टार्ट करते हैं तो इवेंट ए है गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई पहली डाई जो हम थ्रो करेंगे उसके ऊपर इवन नंबर होना चाहिए तो सबसे पहले लिखेंगे सैम्पल स्पेस ऑन टू डाइस सभी थर्टी सिक्स नहीं लिखेंगे कुछ देख लेते हैं तो वन 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 टू वन थ्री वन फोर ऐसे चलते हैं फिर होता है टू वन टू टू ऐसे चलते चले जाएंगे और लास्ट में आएगा सिक्स वन सिक्स टू सिक्स थ्री सिक्स फोर सिक्स फाइव सिक्स सिक्स ये होते हैं टोटल सैम्पल स्पेस जब हम दो डाइस को थ्रो करते हैं अब यहाँ पर इवेंट ए है तो सैम्पल स्पेस ऑफ इवेंट ए इवेंट ए ए इवेंट के सैम्पल स्पेस यहाँ पर लिखने हैं गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई फर्स्ट डाई के ऊपर इवन नंबर होना चाहिए तो ये फर्स्ट लाइन है इसमें एक तो ऑर्ड है तो ये पूरी लाइन हम छोड़ देंगे कहाँ पर ये जो फर्स्ट लाइन है कहाँ गया कहाँ गया ये ये जो फर्स्ट लाइन है इसमें एक तो ऑर्ड है तो ये पूरी लाइन हम छोड़ देंगे दूसरी को पिक कर लेंगे इसके एलिमेंट आ जाएंगे टू वन टू वन टू 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 थ्री टू फोर टू फाइव टू सिक्स फिर फोर भी इवन नंबर होता है फर्स्ट डाई पे तो फोर वन फोर टू फोर थ्री फोर 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 फाइव फोर सिक्स फिर सिक्स भी इवन नंबर है फर्स्ट डाई पे तो सिक्स वन सिक्स टू सिक्स थ्री सिक्स फोर सिक्स फाइव सिक्स सिक्स ये हो गए सैम्पल स्पेस इवेंट ए के नेक्स्ट है इवेंट बी गेटिंग एन ऑर्ड नंबर ऑन द फर्स्ट डाई सैम्पल स्पेस ऑफ इवेंट बी फर्स्ट डाई के ऊपर ऑर्ड नंबर होना चाहिए अब जितने इवेंट ए में आए हैं जो दूसरे बच गए वो ऑर्ड नंबर के हो जाएंगे एलिमेंट ऑर्ड नंबर है वन ओके ऑर्ड नंबर है वन तो वन 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 टू वन थ्री वन फोर वन फाइव वन सिक्स ओके वन के बाद ऑर्ड होता है थ्री थ्री वन थ्री टू थ्री 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 फोर थ्री फाइव थ्री सिक्स फिर ऑर्ड नंबर होता है फाइव तो फाइव वन फाइव टू फाइव थ्री फाइव फोर फाइव 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 सिक्स ये हो गए फर्स्ट डाई के ऊपर ऑर्ड नंबर के सैम्पल स्पेस नेक्स्ट है सी गेटिंग द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डाई स्मॉलर देन और इक्वल टू फाइव डिस्क्राइब द इवेंट्स ओके सैम्पल स्पेस ऑफ इवेंट सी जो दोनों डाइस के ऊपर नंबर का सम है वो लेस देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू फाइव होना चाहिए फाइव भी हो सकता है फाइव से कम भी हो सकता है तो सैम्पल स्पेस बनेंगे सैम्पल स्पेस बनेंगे सैम्पल स्पेस ऑफ इवेंट सी एक और एक हो गया टू वन प्लस टू इज़ थ्री ये भी ले लेंगे फिर वन और थ्री फिर वन और फोर भी ले लेंगे वन और फाइव नहीं ले सकते क्योंकि वन और फाइव का सम हो जाएगा सिक्स ग्रेटर दैन फाइव हो जाएगा गलत हो जाएगा फिर टू वन टू 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 थ्री फिर थ्री वन थ्री टू फिर फोर वन ये हो गए सैम्पल स्पेस गेटिंग द सम ऑफ लेस देन इक्वल टू फाइव अब इसके बेसिस पर हमें इन आठ क्वेश्चन के आंसर देने हैं तो फर्स्ट के अंदर पूछा है ए डैश ए डैश का मतलब होता है ए के एलिमेंट सॉरी ए के एलिमेंट को छोड़कर जितने भी बच गए वो क्या होंगे तो देखो ए इवेंट में ये एलिमेंट थे ओके ये सभी एलिमेंट थे इनको छोड़कर जो बाकी होंगे वे वो बी के अंदर आए हुए हैं क्योंकि यहाँ पे पहली डाइस के ऊपर इवन नंबर था और इसके पहली डाइस के ऊपर ऑड नंबर था तो ए डैश होगा एलिमेंट ऑफ ए डैश होगा एलिमेंट ऑफ बी तो यहाँ पे लिखेंगे ए डैश इक्वल टू आ जाएगा आंसर बी के इक्वल या फिर इसको लिख देंगे एलिमेंट ऑफ बी बी इवेंट के सभी एलिमेंट ए डैश कहलाएंगे पार्ट है नॉट बी सेकंड पार्ट है सेकंड पार्ट है नॉट बी नॉट बी का मतलब बी डैश मतलब बी के एलिमेंट को छोड़कर बाकी सारे होने चाहिए तो वो सभी ए के अंदर हैं ओके बी के एलिमेंट को छोड़कर बाकी सभी होने चाहिए तो ये सभी ए के अंदर हैं तो ये हो जाएगा नॉट बी ए नॉट बी बी डैश इक्वल टू ए ब्रैकेट में लिख देंगे एलिमेंट ऑफ ए नाउ पार्ट थ्री ए और बी ए और बी का मतलब है ए और बी का मतलब है ए यूनियन बी ए और बी के एलिमेंट को अगर यूनियन करेंगे तो ये इक्वल होगा सैम्पल स्पेस के जो थर्टी सिक्स हैं नाउ पार्ट फोर पार्ट फोर में दिया है ए एंड बी यहाँ पे ए लिखना भूल गई एंड बी मतलब ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए इंटरसेक्शन बी अब ए और बी के एलिमेंट में से देखो ए और बी के एलिमेंट में कुछ भी कॉमन नहीं है क्योंकि इवेंट ए में इवन नंबर हैं और इवेंट बी में ऑड नंबर हैं फर्स्ट डाई पे तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा नल सेट ओके नाउ पार्ट फाइव पार्ट फाइव में है ए बट नॉट सी इसका मतलब है ए माइनस सी पार्ट फाइव ए बट नॉट सी इसका मतलब है ए माइनस सी ए के एलिमेंट में से इवेंट सी के एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करना है तो ये ए के एलिमेंट हैं कहाँ पर ये ए के एलिमेंट है और ये C के एलिमेंट हैं तो इनमें से हम एलिमिनेट करेंगे टू वन टू 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 थ्री है और फोर वन बाकी सभी एलिमेंट लिख देंगे A के वो हो जाएगा A माइनस सी ओके मतलब A के सारी एलिमेंट में से ये फोर एलिमेंट जो मैंने अभी आपको बताए कौन से इनमें से फोर एलिमेंट जो आपको बताए कौन से थे टू वन टू टू और टू थ्री और फोर वन ओके इन सबको एलिमिनेट कर देंगे तो ये हो जाएगा ए माइनस सी ओके फोर एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे बाकी ए में प्रेजेंट नहीं है तो इन चारों को ए में से एलिमिनेट कर देंगे और बाकी जो एलिमेंट बचेंगे उन्हें लिख देंगे ये हो जाएगा ए माइनस सी नेक्स्ट है पार्ट सिक्स पार्ट सिक्स बी और सी बी और सी का मतलब है बी यूनियन सी बी और सी के एलिमेंट को हमें यूनियन करके लिखना है एक बार बी के सभी एलिमेंट लिख देंगे फिर सी के लिखेंगे जो एलिमेंट एक बार आ चुका है उसे दोबारा रिपीट नहीं करेंगे जैसे देख लेते हैं जैसे वन वन इसमें भी है और सी में भी है ओके तो इनको एक ही बार लिखेंगे बी और सी के सभी एलिमेंट लिखने हैं जो कॉमन होंगे वो हमें नहीं लिखने हैं नाउ पार्ट सेवन पार्ट सेवन इज बी एंड सी इसका मतलब है बी इंटरसेक्शन सी निकालना है ओके बी एंड सी बी इंटरसेक्शन सेक्शन सी ओके तो बी और सी में कॉमन है वन 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 टू वन थ्री वन फोर थ्री वन थ्री टू तो ये हो जाएंगे बी इंटरसेक्शन सेक्शन सी के अंदर नाउ पार्ट एट पार्ट एट इज़ ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश ए इंटरसेक्शन बी डैश बी डैश का मतलब है ओके बी डैश का मतलब है ए तो ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी डैश इसका मतलब ये हुआ ए और ए के अंदर कॉमन एलिमेंट है सभी ए वाले तो इसका मतलब आ गया ए इंटरसेक्शन सी डैश तो ए के एलिमेंट हैं उनका सी के अंदर जो एलिमेंट हैं उनको छोड़ के सैम्पल स्पेस में जो बचेंगे उनका हमें इंटरसेक्शन लेना है देखो सी डैश निकालने के लिए जो भी थर्टी सिक्स के थर्टी सिक्स सैम्पल्स थे छत्तीस उनमें से इवेंट सी के एलिमेंट को छोड़कर वो हो जाएगा सी डैश ओके वो हो जाएगा सी डैश इवेंट सी के एलिमेंट नहीं लिखने हैं बाकी जो एलिमेंट बचेंगे वो हो जाएंगे सी डैश इवेंट सी के अंदर इवेंट सी के अंदर एलिमेंट हैं टेन एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ओके तो उसमें छब्बीस एलिमेंट बच जाएंगे जो कि सी डैश के अंदर आएंगे उन छब्बीस एलिमेंट का और ए का जो भी कॉमन एलिमेंट होगा वो आपको लिखने हैं ओके okay? मेन आपको सी डैश फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर सेवन रेफर टू क्वेश्चन सिक्स अबाउ स्टेट ट्रू और फॉल्स गिव रीज़न फॉर योर आंसर क्वेश्चन नंबर सिक्स की हेल्प से हमें यहाँ ट्रू और फॉल्स बताने हैं इन स्टेटमेंट्स को और साथ में रीज़न भी बताना है फर्स्ट पार्ट है ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो क्वेश्चन नंबर सिक्स के अंदर ए इवेंट था ये रहा हमारा ए इवेंट और इवेंट बी था तो दोनों पर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोले हैं तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं जब ए इंटरसेक्शन बी ए और बी के अंदर कोई भी इवेंट कॉमन ना हो तो इवेंट ए में ईवन नंबर से स्टार्ट हो रहे हैं एलिमेंट और इवेंट बी में ये ऑड नंबर से स्टार्ट हो रहे हैं एलिमेंट ओके तो इन दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है तो फर्स्ट पार्ट हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू फाइव सो एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ये हो गया ट्रू नाउ पार्ट टू एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एक्सॉस्टिव तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और एक्सॉस्टिव भी है पहली कंडीशन तो ठीक थी ओके तो ये हो गया हमारा ट्रू तो सेकंड में कहा है ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो ये बात ट्रू है क्या वो एग्जॉस्टिव भी है मतलब ए और बी कंबाइंड होकर सैम्पल स्पेस के एलिमेंट बना देते हैं हाँ बनाते हैं इवेंट ए में इवेंट ए में सारे इवेंट जो हैं वो इवन नंबर से हैं और और इवेंट बी में सारे ऑर्ड हैं इन दोनों को अगर हम कंबाइंड करेंगे तो सैम्पल स्पेस के इक्वल हो जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू है फाइव एंड ए यूनियन बी इज इक्वल टू सैम्पल स्पेस के तो ये भी ट्रू है जब दो इवेंट में एलिमेंट कंबाइन होकर सैम्पल स्पेस के एलिमेंट के इक्वल हो जाएं तो उन्हें हम एग्जॉस्टिव कहते हैं नाउ पार्ट थ्री क्या एज़ इक्वल टू बी डैश है बी डैश का मतलब है इवेंट बी के इवेंट बी के एलिमेंट को छोड़कर बाकी जो बच गए वो बी डैश कहलाएंगे तो वो इक्वल होंगे ए के इवेंट के तो ये भी ट्रू हो जाएगा रीज़न होगा यहाँ पे बी डैश का मतलब है एलिमेंट अदर देन बी वो सभी ए के अंदर हैं ये रीज़न हो गया ओके तो यहाँ पर हम लिख देंगे

तो क्या इन दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन है देखो इसमें आ, टू टू है और किसमें इसमें भी टू टू है टू वन फिर टू थ्री है कॉमन एलिमेंट है ओके टू वन टू टू टू, टू थ्री कॉमन एलिमेंट है ये ए में भी है और ये ही आ, टू वन टू 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 थ्री ये भी सी में भी है तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है ओके तो यहाँ पर हम लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे ए इंटर सेक्शन सी नॉट इक्वल टू फाइ मतलब ए और सी का इंटरसेक्शन फाइव के इक्वल नहीं है सो ए एंड सी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नाउ नाउ पार्ट फाइव ए एंड बी डैश आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अब ए एंड बी डैश बी डैश का मतलब है ए एलिमेंट तो ए और ए बी डैश इक्वल है ए के तो ए इंटरसेक्शन ए नॉट इक्वल टू फाइव तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है तो ये हो जाएगा फॉल्स ओके पार्ट फोर में भी फॉल्स था नेक्स्ट पार्ट इज़ सिक्स ए डैश बी डैश सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव ओके ए डैश बी डैश सी ए डैश का मतलब है बी के एलिमेंट और बी डैश का मतलब है ए डैश का मतलब है ए डैश का मतलब है बी के एलिमेंट और बी डैश का मतलब है ए के एलिमेंट और सी ये तीनों उसने कहा है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो इसका मतलब है बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी फाई होना चाहिए बट यहाँ पे देखो बी ए और सी तीनों में आपस में कॉमन एलिमेंट है ए बी और सी तीनों में कॉमन एलिमेंट है तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है तो ये हो जाएगा फॉल्स एक्सॉस्टिव चेक करने की ज़रूरत नहीं है एक्सॉस्टिव तो होगा वो क्योंकि यूनियन सैम्पल स्पेस के इक्वल होगा तो ये पार्ट ट्रू है कौन सा ये वाला पार्ट ट्रू है एग्जॉस्टिव तो है बट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है तो पूरी स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो जाएगी ओके